फसी 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 So, hey guys, welcome back to our new vlog. तो भाई आज है मेन मकर संक्रांति, दो दिन से पतंग उड़ा रहे हैं बट आज 15 जनवरी फाइनली आज मकर संक्रांति है, तो आप लोग को आज हैप्पी मकर संक्रांति। और मेरे आने के पहले निक्कू भाई छत पे चढ़े हुए हैं और सुबह से पतंग उड़ा रहे हैं भाई, पिछले 2 घंटे से पतंग उड़ा रहा है। मैं तो अब 10:30 बजे छत पे आया हूँ। क्या यानी पतंग आई थी? हाँ। इसने पार किया। हाँ। इतनी गंदी पतंग थी, पार कर उसके टावर में। अब पतंग उड़ नहीं रही जाता भाई, कुछ लग ही नहीं रहा, कुछ माहौल ही नहीं है, कुछ माहौल ही नहीं है। मैं अभी नहीं उड़ाऊंगा, जब पतंग उड़ेंगे तब उड़ाऊंगा, बैठूंगा आराम से। मैं और जा रहे हैं आज की अपनी फर्स्ट पतंग स्टार्ट करने, फर्स्ट पतंग उड़ाने, पहली पतंग उड़ाने। और हवा बहुत जा रहा है इसलिए पन्ने वाले पतंग उड़ाएंगे भाई। कागज वाली भी रखी है बट हवा इतनी तेज है, कागज वाली अच्छे से बड़ी बड़ी पतंग है और बहुत भारी पतंग है, तो ऐसे वो भारी है तो और ज्यादा हवा पड़ेगी उस पर। करना नहीं चाहिए, देख लेता हूँ अभी इसको उड़ा के देखता हूँ। सो गाइस ये लाल वाली पतंग बहुत मस्त पतंग मिली मेरे को भाई, बहुत मस्त पतंग मिली, बहुत ऊपर उड़ रही है। और ये भाई क्या कह रहा, क्या ठीक तुम भी मत, हम भी नहीं आएंगे। ठीक कह रहा कि भैया मत लड़ाइए, ये वाला पन्नी वाला। हमने कहा ठीक है। इधर एक पतंग बहुत उठे चलते, थोड़ा देर ऐसे आसमान में बन रहा था थोड़ी देर। एक पेस्ट तो दे दो भैया। भाई देखिए मेरे साथ क्या हो गया कल वाला। भाइयों मैंने ये पतंग चिमटा ली थी, है ना, मैंने ये पतंग चिमटा ली थी, दो पतंग कट के जा रही थी, देखिए आप आसमान को देख सकते हैं ना, एक पतंग वो नीचे सब कट के जा रही ना भाई, पतंग पीछे से कट के आ रही थी तो मैंने उसको फंसा लिया। उसके बाद में वो पतंग मेरी पतंग को भी तोड़ दी भाई, मतलब तेज हवा है फंसाने चक्कर में, चक्कर में मेरी पतंग टूट गई और सब चली गई। वाह यार सब पतंग ऊपर ही जा रही थी, पतंग देखो सबके सब ऊपर उड़ रही है खूब। अरे भाई आप देखो कह रहे भैया मैं उड़ाऊंगा पतंग, मैं उड़ाओ तो अपने अपने सही हो गई भाई साहब। अपने छोटा पतंग लेके आए पतंग का भाई यार, हवा बहुत तेज, ये वाले जो पतंग है ना इस पतंग के अंजर पंजर ढीले, इस पतंग के पर अंजर पंजर कसने पड़े, उसके बाद इसको सही कर दूंगा। इस पतंग को तुम पकड़ो, व्लॉग बनाओ, मैं इस पतंग को बनाता हूँ, उसके बाद में तुम पतंग को उड़ाओ। पहले टेप लगा पतंग को, पहले टेप की करना कैसा है भाई? करना सही है उसको, बस आपने बना दिया खराब करना। मैं आज सुबह गाइस आज मैं सुबह उठाऊँ 6 बजे, पूछो क्यों इधर से कभी पढ़ने के लिए नहीं उठते। हाँ 7 पतंग वो बाकी थी करना डालने के लिए, बल्कि करना डाल रहा हूँ मैं 6 बजे से 6:30 बजे तक। 6:30 से मैं देख रहा था मूवी 7:30 बजे तक। गाइस इस पतंग को बनाना ज़्यादा कठिन नहीं है। अरे क्या करना, टेप ही तो मारना है। टेप वहाँ मार दिया हूँ, अब एक टेप अभी यहाँ, ये पतंग टूटेगी किसी, इसकी भी पकड़ के रख लो देना मत। गाइस मैं सबकी पतंग दे देता हूँ, कोई मेरी पतंग नहीं देता, ये मेरे साथ बड़ा दुख का काम। ये पतंग बड़ी लपुंगी पतंग है, मैं किसी की पतंग नहीं देता, इसलिए ये लपुंगी पतंग बहुत ज्यादा है। गाइस मैं बच्चों को भी पतंग देता हूँ अपनी। किसके बच्चों को? अरे बहुत बच्चों को दिया हूँ पतंग। तो तुम बच्चे नहीं हो क्या? अरे लेकिन मेरे छोटे छोटे उनकी पतंग कट जाती है और रोने लगते हैं, मैं उन लोगों को पतंग देता हूँ। तुम्हें तो नहीं रोते हो? मैं नहीं रोता, मैं देखा तो नहीं रोते हो अब बचपन में ना। नहीं तो अभी कुछ 3-4 दिन पहले घंटा। हाँ घंटा, हाँ घंटा करके भारी घंटा रोया ही नहीं। करना सही करना सही करो, और मेरे चरखी में वो कर दिया, अभी मैंने अपनी चरखी पूरी खाली कर दिया, तो मेरे को अपनी चरखी सही करनी थी। मेरी पतंग टूट के चली गई यार, चिमटाने चक्कर में बड़ा दुख हो रहा है। मैं बोला था चिमटाने को मतलब सिकुड़ी हुई क्यों है? चलो ठीक है, जैसे भी उड़ जाएगी उड़ाओ तो ठीक है। आप उसमें करने बांध दो, बांध भी दूँ अब? हाँ बांध दो भाई, मेरे को आलस है, बांध देता हूँ। गाइस 8 बजे से मैं छत पे हूँ, मैं थक गया हूँ। वो जा रही है भाइयों कट के, काश मैं सुपर हीरो होता, सुपरमैन होता, उड़ के जाता, पकड़ के ले आता, या सुपरमैन। इधर आ जाओ, गई है पतंग, गई जल्दी भाइयों। एक पतंग और लूट लाई है छत पर से, जा रही थी पकड़ लिया खुद के इसको,
आज की सेकंड है, कल तो एक ही पतंग लुटी थी ना भाई, कल एक और आई थी निक्कू में उड़ाने में मस्त है। मैं पतंग ऐसे देख रहा हूँ अच्छे अच्छे पकड़ लीजिए, देख रहा हूँ निकू फटी पतंग उड़ा रहे हैं, सही पतंग रखी है तब भी फटी पतंग उड़ा रहे हैं, सही पतंग चिमटाओ उसको यार, निकू चिमटाओ उसको, चिमटाओ जाओ उसको, चिमटाओ 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 जाओ फंसाओ, नहीं जाओगे घर आदमी यार। तो गाइस अब हम लोग जा रहे हैं एम वाली पतंग उड़ाने, एम बोले तो मिश्रा ये भाई इधर चला जा, हाँ ये अब परफेक्ट एम है एम, तो हम निक्कू मिश्रा सोच मिश्रा पतंग उड़ाएंगे एम वाली मिश्रा पतंग है ना, तो उड़ाते हैं भाई आसमान में पतंगें उड़ भी रही थोड़ी बहुत, थोड़ी बहुत क्या बढ़िया से उड़ रहे हैं, चलो शुरू करते हैं उड़ाने इसको। तो गाइस भाई ये पन्नी वाली पतंग से 5 पतंग काट चुका और अभी तक को पेच कटा नहीं है, है ना, मतलब भाई इतने तगड़ा मजा आ गया एकदम। तो गाइस 2:15 हो रहा है, 2:15 बज रहा है और मैं भाई खाना खाने आया था, मैच आ रहा है इंडिया का, इतना गजब मैच चल रहा है कि अब पतंग उड़ाने का मन ही नहीं कर रहा मेरा। देखिए स्कोर क्या गजब, 11 ओवर में 80 रन पे 0 विकेट, तो भाई मैच देखने बैठ गया बट अब चलो यार पतंग उड़ा लो, निक्कू छत पे अकेले पतंग उड़ाना चलता हूँ। जो गाइस लंच खत्म हुआ और अब छत पे आ गए हैं, निक्कू भाई पतंग उड़ा रहे हैं और आसमान बहुत खाली खाली लग रहा है यार, इतना सन्नाटा क्यों है भाई आसमान में। तो सुबह कह रहे हैं हाय गाइस, तो सुबह से मिल लीजिए आप लोग, इनका अलग ही सीन चलता रहता है। तो भाई आसमान खाली लग रहा है, बहुत खाली कर दियो क्या तुम, बहुत पतंग काट दियो क्या भाई, बहुत पतंग काट दियो क्या, हाँ पतंग मैंने छाट के लाई उड़े में। सो गाइस फिलहाल मेरी पतंग ये उड़ रही है और निक्कू भाई ये पतंग उड़ा रहा है, निक्कू भाई चलेंगे नीचे, थोड़ा मुझसे गुस्सा आ गए भाई, चलेंगे नीचे, मेरे धागा उलझा रहे तो मैंने थोड़ा हल्का डांटा मजाक में, सीरियस लेके चला गया गुस्सा के नीचे भाई, तो नीचे से पतंग उड़ा रहा निक्कू और मैं छत से अकेले भाई, अब चरखे में उसको ईंटे में लगानी पड़ी, ईंटे में लगा उड़ा रहा चरखे में ना, मंजल चरखे वो लगी लगी और निर्मल भैया पतंग उड़ाए भाई, वो खड़े हैं वो, ये अब इनसे लड़ाया जाए थोड़ा पैचा किया जाए, कोई काटा वाटा जाए, और आस पास में पतंगे इस बार बहुत कम पतंग उड़ रही है, अब धीरे धीरे त्यौहार का उतना महत्व नहीं रह गया है, उतनी इंपॉर्टेंस नहीं रह गया, अब लोग बहुत कम पतंग उड़ाते हैं भाई, तो जो भी उड़ा रहे हैं भाई इन्जॉय कर रहे हैं, उड़ाते हैं देखते हैं थोड़ी देर, मज़ा करते हैं हम लोग भी, वो कटी उसको चिमटाता हूँ। और यह हमारे साथ हमारा दोस्त हमारा छोटा भाई चीकू चौगाड़ा आ गए हैं, नाम अच्छा है कि नहीं चीकू, तुम्हारा नाम चीकू, तुम्हारा नाम चीकू चौगाड़ा, पतंग उड़ाने हैं अब हम तीनों लोग मिलकर पतंग उड़ाएंगे, मेरा मन नहीं कर रहा तुम दोनों मिलकर पतंग उड़ाओ अब भाइयों। अब मकर संक्रांति में मतलब जैसे जो पुरानी बात थी वो बात अब दिख नहीं रही है, देखिए आसमान पूरा खाली दिख रहा है, पहले अभी आज के करीब 2-3 साल पहले का जो मकर संक्रांति थी उसमें इतना मज़ा आता था, मतलब पतंग उड़ाई नहीं कि पीछे से कोई ना कोई आ गया पेंचा हो गया, और मतलब 5 मिनट से ज़्यादा बिना पेंचा किए नहीं रह पाओगे, इतनी पतंगें उड़ती थी। और आज भाई मतलब आधे घंटे तक पतंग ताने को उड़ाने को लड़ाने ही नहीं आ रहा, मतलब आसमान पूरा खाली खाली है, बताइए पूरा खाली आसमान, कहीं पतंग दिख रही है आप लोग को, एक आध दो पतंग दिख जा रही है, तो मतलब अब वो मज़ा नहीं है, मेरा तो मन भर गया पतंग उड़ा के, 3:30 बज रहा है, 3:30 बज रहा है बस, है ना निक्कू। तो अब मैं तो भाई बैठूंगा, निक्कू और चीकू भाई पतंग उड़ाएंगे, दोनों लोग चरखे के सही कर रहे हैं, दोनों लोग पतंग उड़ाएंगे। चीकू भाई को हमने कहा चरखे से उड़ाओ, चीकू भाई नया एक्शन निकाले, ये पतंग टूट के चली जाएगी बस, हवा भी नहीं लगेगी, ये कूद कूद के उड़ा रहे हैं पतंग भाइयों। भाइयों चीकू परेशान है, चीकू क्यों परेशान है पता है, वहाँ पे एक बाबा रहता है जो सुबह निक्कू से पतंग उड़ा रहा है, श्याम, उसका नाम श्याम है ना, क्या नाम है, श्याम नाम है हाँ, तो चीकू ने अभी उसकी पतंग तोड़ ली, उसकी पतंग यहाँ मतलब उड़ाते उड़ाते चीकू के हाथ में आके चीकू तोड़ लिया, कहाँ रखा है तोड़ के, कहाँ रखे भाई तोड़ के, बाबा की पतंग तोड़ लिया, और तोड़ने के बाद पता चला उसकी पतंग, तो कह रहा भाई कोचिंग पड़ता है, क्या कह रहे थे, शिकायत कर देता है क्या, अरे अब चीकू भाई डरे, इनका तो ढीलो ढीलो ढीले वहाँ पीछा करने पहुँचे हैं, अरे वहाँ लड़ाने पहुँचे हैं निक्कू भाई, काट दोगे ढील देना ऊपर से रख के, ऊपर से रख के ढील देना बस बह जाएगा, हाँ बस बस फंसी 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 काटा।
बहुत सही निक्कू भाई, बहुत सही मेरे शेर, बहुत सही मेरे शेर, या बहुत सही, बहुत सही। नगीना से कहाँ लड़ा दोगे, नगीना दूर है। आ लड़के का भौकाल लगाओ, चाइना दिखेगा आईना। श्याम भैया की है, श्याम भैया इनकी कोचिंग में पढ़ते है। हाँ श्याम सर पढ़ता है कोचिंग में ना, उसको अभी कुछ आता नहीं। अच्छा ये बताओ किसी ने शिकायत कर, किसी ने शिकायत किया था क्या तुम्हारी, क्या 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 हुआ था? उसके असर बाद में लड़ाने आया, हाँ। उसके कट के गिर गई, हाँ। कटे नहीं ऐसे लड़ा के मुझसे गिर गई और हमने तोड़ लिया, हाँ। जानते हो तोड़ दोगे ना, जानते कि तोड़ कर ये जान जाके कटी है। अच्छा पता नहीं कौन उसका है, तो आता भी तो चरखी पकड़ के खाली हाथ पर हाथ धागा पकड़ता ही नहीं है, है ना, वो खाली चरखे से उड़ाया करता है ऐसे ऐसे बस। तुम भी सीख रहे हो लग रहा है उससे, तुम भी सीख रहे हो कहाँ। अरे भाई ये पतंग का क्या हाल हो गया, पतंग का क्या हाल हो गया भाई, अब इसको तोड़ ही लो, अब इसका कोई वो नहीं है। एक और पतंग निकाल दी टूटी हुई। तो गाइस अब मैं चला अपनी आज की आखिरी पतंग उड़ाने, इसको मैं चला खाता आखिरी के लिए, एकदम भारी पतंग है, 18 तो वाली पतंग है, सबसे महंगी पतंग यही लेके आया था, एक ही लाया था इसको मैं, है ना। तो अब भाई इसको उड़ाऊंगा क्योंकि उसको पता था हवा तेज है, इस वजह से मैं भारी पतंग कम ही लाया, बहुत तेज हवा में यार भारी पतंग वो कटा, यार भारी पतंग टूट जाती है ना, इसलिए भारी पतंग लाना। देखो तुम ये टिकती है कि टूटती है, उड़ाते हैं देखते हैं। सो गाइस अभी भाई ने पतंग पार की है, ये जो अभी तक की जो आज हम लोगों ने सबसे बड़ी पतंग लाई थी वो भाई पार कर रहा है अभी, ठीक है भाई चीको सिखा रहे हैं वो कैसे पकड़े, चरखी कैसे पकड़ते हैं, हाल तक कट चुका बन जा रहा है तो जल मेरा देखो गाइस, मेरा देखिए ये कटा है पूरा, हाल कटा हुआ मेरा तो इधर भी कटा हुआ पूरा, इस हाथ में तो पूछो ये कटा हुआ है, ये कटा हुआ है, अब पतंग थोड़ी मोड़ी पता नहीं उड़ रही है ना भाई, अभी थोड़ी मोड़ी अपनी तरफ नहीं उड़ रही, वो देखो कट के आ रही है पतंग, बहुत मस्त तनने वाली पतंग है, तो कुछ ना करो अपने आप तनती रहेगी, समझे, अगर तुम चीकू, अरे उधर तो मछली मंडी लग रही है, इस तरफ पतंगे नहीं उड़ रही, उधर पतंगे पतंग उड़ रही है, देख रहे हैं उस साइड में इतनी पतंग है, इस साइड में एक को पतंग नहीं है, इस साइड में अब उल्टी हवा में थोड़े हो जाऊंगा जाकर के मैं, उधर उल्टी हवा है पतंग, लेकिन बढ़िया अपनी लास्ट पतंग बस तन रही है, पकड़े रहो बस, कहाँ पे है ये दिखा देखो उतना ऊंची है ना, अब देखता हूँ वहाँ उस साइड में घुस के लड़ाता हूँ। तो दोस्तों 18 वाला पतंग, 18 जो पतंग है इतनी भारी पतंग है, और उसको इतना हल्का लड़का पकड़ रखा, अरे उड़ मत जाना तुम, अरे उड़ मत जाना चीकू, उड़ रहे हो क्या, अचानक को लगा जा रहा है, चलो ठीक है भाइयों, इन लोग का पतंग उड़ाने से मन नहीं भरा, मैं कह रहा हूँ चलो नीचे चले, ये लोग नीचे चल रहे हैं, और अब एक और पतंग उड़ा दी, ये वाली पन्नी वाली जो लूट के लाए थे, जो अपने गुरु जी के पतंग तोड़े थे, तो चीकू जो तुम तोड़े थे पतंग अपने दोस्त की, सत्यम क्या नाम, क्या श्याम, उसकी पतंग उड़ा दिया अब ना, अरे दोनों उड़ा ही रहे हैं भाई, खत्म करें जल्दी, उड़ा के चला जाए फिर नीचे। सो गाइस खत्म, अब चल रहे हैं नीचे, मैं निकू और शिव भाई, तो गाइस आज के ब्लॉग में इतना ही था, तो बाय बोलो, बाय बोलो, तो गाइस ब्लॉग में इतना ही था, खूब पतंग उड़ाई गई, मस्ती करी गई, बाकी ब्लॉग पसंद आया ब्लॉग को लाइक करिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, मिलता है आप सभी से अगले इंटरेस्टिंग ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर।